हद रहम करने वाला हूँ। सामईन, आइए खैर बरकत के हुसूल के लिए और एक बेहतरीन शुरुआत के लिए कुरान मजीद को आज के इस तमसीली मुशायरे का नुक्ते आगाज़ बनाया जाए। मैं बहुत अदब के साथ हमारे दो तलबा अंसारी आफ्ताब आलम अंसार अहमद और मोहम्मद आसिम नूरुल हुदा को दावत दे रहा हूँ कि दोनों तलबा स्टेज पर आए और तिलावत कलाम पाक से आज की इस मुशायरे का बाबरकत आगाज़ करें कि हाथों से अपने दामन कुरान छोड़ कर हाथों से अपने दामन कुरान छोड़ कर हम जिस तरफ गए परेशान हो गए। तशरीफ ला रहे हैं हमारे दो तलबा तिलावत कलाम पाक से। चाहता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसी ने बोलना सिखाया। अशम्सु वल्कमरु बिहुस्बान, आफ्ताब व महताब दोनों मुकर्रर हिसाब से हैं। وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, بیلے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی۔ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ, تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ فِيهَا فَاقِيَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ, جس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ وَالْحَبُّ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ, بُس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَذَاقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ, वाली एक शायरा हमारी आज की इस बज़्म में शामिल हुई है। अगर वो इस वक्त वो मुशायरे के सामाईन के दिलों पर हुकूमत कर रही है, अगर कई सौ बरस पहले वो पैदा हुई होती तो शायद हिंदुस्तान पर हुकूमत करती।